हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक चीज़ का रिव्यू दे रही हूँ। जो हम लोग चारकोल मास्क लगाते हैं स्किन पे, वो स्किन से क्या क्या काम करता है, और ये जो चारकोल मास्क है इससे स्किन कितनी चेंज हुई आपके सामने ही उसका रिज़ल्ट होगा, और उसको लगाने का पूरा तरीका सब कुछ हम समझा रहे हैं आपको। और ये चारकोल मास्क नया लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत ही न्यू फार्मूला है, न्यू टेक्निक से बना हुआ ये, तो इसका रिज़ल्ट एकदम आपको सामने दिखेगा। ऑयली स्किन के लिए भी आपको उसको लगा सकते हो, और ड्राई स्किन पे भी आप इसको लगा सकते हो। लेकिन ड्राई स्किन में आप ब्लीच के बाद में अगर आपकी स्किन बहुत चमक रही है और बहुत स्किन पतली है तो आप नहीं लगा सकते ब्लीच के बाद। लेकिन आप डायरेक्ट आपकी स्किन में बहुत ड्राइनेस हो रहा है और लाइन जैसा खींचने पर ना वाइट लाइन हो रही है और पाउडर जैसा निकल रहा है, स्किन झड़ रही है ना, तो उस पर बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। लेकिन उसका एक तरीका है लगाने का, अगर आप उस तरीके से लगाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो उस तरीके से आप उसको लगाओ। तो अभी हमने क्लिंजिंग किया है, पहले क्लिंजिंग अच्छे से करना है। अब इनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन थी तो हमको ज़्यादा क्लिंजिंग करना पड़ा, और पूरा कॉटन आप देखोगे एकदम कॉटन पूरा काला हो गया था हमारा। तो इनकी पहले हम लोग अच्छे से क्लिंजिंग कर रहे हैं, पूरा अच्छे से ऑयल निकाल रहे हैं। जो ऑयल था ना, एक्सेस ऑयल था उनकी स्किन में, चमक आ रही थी स्किन में, तो उसको हम लोग पूरा निकाल रहे हैं। तो अभी क्या करना है इसके स्किन में, हम क्लिंजिंग के बाद में इसको कैसे लगाना है, इसको ना ब्रश से या आप हाथ से, दोनों चीज़ से आप इसको लगा सकते हो। आप लगाने के बाद में इसमें आपके नोज़ पे जो ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, और जो स्किन के डेड सेल्स होते हैं वो पूरा रिमूव करती है वो, और ब्लैक हेड्स वो भी रिमूव करती है, और इसके जो स्किन के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिमूव करता है ये वाला, जो आपको जो हम बता रहे हैं ये वाला मास्क चारकोल मास्क है। लेकिन इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं आपको वो नज़र आएंगी। मैंने पूरा ट्यूब आपको दिखाया है इसके अंदर, अभी दिखाऊंगी मैं। और रिंकल भी इससे रिड्यूस होते हैं। रिंकल इसलिए रिड्यूस होते हैं कि ये नए फार्मूले से बना हुआ है, नया टेक्निक है ना, इससे रिंकल भी रिड्यूस होते हैं। और स्किन को थोड़ा सा टाइट करती है, यानी कि स्लिम करती है। जब स्किन में जब लगा दो, जब ये ड्राई होगा ना, ऑयली स्किन में आप पूरा ड्राई करके अच्छे से उसको लगा सकते हो, और ड्राई स्किन में आप उसको गीला ही निकाल दो। आप वीडियो कभी भी पूरा सुनोगे ना तो आपको हर चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स, काम के पॉइंट्स मिलेंगे। ऑयली स्किन में आप पूरा ड्राई करो, और इसको अगर ड्राई स्किन है तो आप उसको गीला ही निकाल दो तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ड्राई स्किन में आप पूरा सूखने के बाद निकालोगे तो हो सकता है स्किन में रैशेज आ जाएं, इसके लिए नहीं निकालना है। तो स्किन को टाइट भी करेगी, क्योंकि ये टाइट करती है, स्किन टाइट होता है, पिंपल्स को और ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है ये चारकोल मास्क। पिंपल्स वालों के लिए भी अच्छा है ये। और इसको ना लगाने का तरीका यही है कि आप ब्रश से लगा लो, या आप उसको फिंगर से भी लगा सकते हो। और आईज़ का जो एरिया होता है ना सेंसिटिव, वो आपको नहीं लगाना है, वो आपको छोड़ देना है। टॉक्सिन भी निकाल देगी आपके, और जो पोर्स रहेंगे ना आपके वो भी क्लोज करेगी। जो स्किन में ओपन पोर्स होते हैं ना, तो जब स्किन टाइट होगा ना, जहाँ पे ओपन पोर्स है, अगर किसी की स्किन ड्राई है तो जहाँ पे ओपन पोर्स है, जैसे खाली चिक्स पे होते हैं मोस्टली, तो आप वहाँ पे भी उसको सिर्फ वहाँ पे लगा के और छोड़ दो, फिर ड्राई करके निकालोगे तो इतना इशू नहीं होगा। पूरी स्किन पे लगाने से कभी कभी ड्राई स्किन में रैशेज आते हैं, और अगर आपने लगाया आपको रैशेज नहीं आते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप उसको लगाओ, और उसके बाद में आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो ड्राई स्किन वाले, और ऑयली स्किन वाले आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, अगर हल्का सा कोई रैशेज आया तो, क्योंकि स्किन को टाइट करता है ना ये, और स्किन के लिए बहुत अच्छा आएगा। इसको देखो अभी हम लोग ड्राई कर रहे हैं, और मैं इसको निकालने के लिए ना कितने मिनट लूँगी, इसको कम से कम 15 मिनट लग गए थे ड्राई होने में, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ड्राई होने में, गर्मी में शायद जल्दी ड्राई हो जाएगा, लेकिन ठंड है तो थोड़ा टाइम लग गया उसको, 15 से 20 मिनट लगे थे उसको ड्राई होने में। और इनकी ऑयली स्किन है तो हमने उसको अच्छे से ड्राई किया, और उसके बाद उसको निकाला। और देखो ये इसमें देखो लिखा भी है, जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, इसमें लिखा डायमंड डस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको शाइन भी आएगा स्किन में। इसके फार्मूले में ना बहुत, आप इसको लोगे ना, इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस बहुत कम प्राइस है, 170 अराउंड कुछ है, 170 एडवांस फार्मूला बनाया मैंने,
जो दिखा रही हूँ आपको, मैं कोशिश कर रही थी आपको दिखाने की, लेकिन आप उसको कैप्चर करके फिर से देख सकते हो या फिर फिर से उसको वापस देख सकते हो, क्योंकि ना मैंने पूरा दिखाने की पूरी कोशिश करी थी ट्यूब को। और अभी देखो ये ड्राई हो गया है, अब ये ड्राई हो गया, अब मैं इसको धीरे धीरे निकालूँगी। इसको ना फिंगर से धीरे धीरे निकालना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पे लंबे हेयर होते हैं अब वहाँ पे मत लगाओ, या फिर कोई किसी को बहुत ज़्यादा हेयर है तो वो अपने बालों पे वैक्स या कुछ वैक्स करे, और वैक्स करने के बाद में उसको दूसरे या तीसरे दिन इसको लगा ले तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और जहाँ पे लंबे हेयर थे ना इनके जॉ लाइन के पास में, तो वहाँ पे मैंने इनको नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी लंबे बाल थे। अब इनके इसमें ब्लैक हेड, वाइट हेड सारे के सारे बाहर आ रहे हैं, और स्किन इतनी शाइन हो रही थी ना जब हमने निकाला इसको, इतनी ग्लो स्किन कर रही थी। बाद में भी जब आए ना दो तीन दिन बाद भी इनका स्किन एकदम ग्लो कर रहा था, सफ़ा हो गया था, एकदम क्लीन हो गया था। और इसे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही अच्छी। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, पहली बार देख रहे हो तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आपको कुछ पूछना आप कमेंट कर सकते हो। मुझे कमेंट है अभी मॉइस्चराइज़र बनाने का, लेकिन थोड़ा मैं बाहर थी काफ़ी दिन से तो नहीं बना पाई। अब मैं वापस आई हूँ तो अब बनाएंगे हम लोग वीडियो फिर से, तो हम मॉइस्चराइज़र का इंशाल्लाह बना लेंगे वीडियो। तो अभी देखो इसको क्लीन करने का तरीका, देखो जैसे इनको निकाल देना है, धीरे धीरे खींचना नहीं पूरा, एक फिंगर से धीरे 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 निकाल देना है ताकि पेन ना हो। स्किन देखो चेंज हुई है, हल्की सी पिंकिश दिख रही है लेकिन वो फेयरनेस की तरफ गई है, फेयर की तरफ गई है। इसको निकालने के बाद में फिर भी उसको पूरा क्लीन करने के बाद में इनको एलोवेरा जेल लगा दो, ऑयली स्किन को, और ड्राई स्किन को आप उसको मॉइस्चराइज़र। और थैंक यू सो मच, देखो इनका ग्लो कितना अच्छा है, थैंक यू सो मच।